ओ बेबी, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। हाँ बेबी, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। दीदी मैं आ गई। तुम अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन को भी ले आई। वो क्या है ना बेबी, मम्मी इसे हमेशा मेरे साथ ही भेजती हैं, तो इसलिए ये मेरे साथ ही आ गई। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाँ, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, मुझे आज तक तुम्हारी कोई बात बुरी लगी है? और वैसे भी ये तो मेरी साली है, आधी घर वाली है। क्यों साली दी? हाथ काट दिया इस लड़की ने मेरा, जानवर कहीं की, इसे खाना नहीं मिलता क्या घर में? सॉरी सॉरी बेबी, वो क्या है ना, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, शायद इसलिए इसे भूख लगी है, तो आप ही कुछ खिला दो ना इसे। हाँ हाँ अभी खिलाता हूँ, चलो खाना खाएंगे। बताओ बेबी क्या खाओगी? तू क्या खाएगी छोटी? मैं पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी, चाउमीन खाऊंगी, नूडल्स खाऊंगी, भल्ले पापड़ी खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी, पाव भाजी खाऊंगी, मैं सब खाऊंगी, सब खाऊंगी। ठीक है तो बेबी सब कुछ ऑर्डर कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, बुलाता हूँ वेटर को। वेटर जी। सर बोलिए सर, क्या ऑर्डर कर रहे हैं आप? खाना? पिज्जा ले आओ, चाउमीन ले आओ, बर्गर ले आओ, सैंडविच ले आओ। मैं बोलती हूँ, पिज्जा ले आओ, चाउमीन ले आओ, बर्गर ले आओ, नूडल्स ले आओ, भल्ले पापड़ी ले आओ, पाव भाजी ले आओ, मैगी ले आओ, सब ले आओ सब। जी सर, मैं अभी लाया आपके ऑर्डर। लगी है। खाना कब आएगा दीदी? आ जाएगा छोटी, थोड़ा इंतजार कर। कैसे जानवरों की तरह खाना खा रही है, लगता पिछले जन्म में कुत्ता थी। और वैसे भी दोनों देखने में तो फटीचर घर की लगती है, आज तो मेरी जेब खाली होने वाली है। वेटर बिल ले आओ। सर बिल दे दीजिए। 3,500 बिल? ये दोनों लड़कियां तो मुझे नंगा करके मानेंगी। ओए माँ। तुम लोग रुको, मैं भी आया वॉशरूम से। क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी, वो मैंने चम्मच उठा रही थी। अच्छा ठीक है। सर अभी तक बिल नहीं जमा किए आप? हाँ हाँ अभी देता हूँ। मेरा पर्स, मेरा पर्स नहीं मिल रहा। मेरा पर्स कहाँ गया? मेरा पर्स नहीं मिल रहा। पर्स? इतना बड़े रेस्टोरेंट में आप बैठ गए हैं, आपके पास पैसा नहीं है? तो चलिए बर्तन धोने के लिए चलिए। नहीं नहीं, आपकी बात क्या सुनेंगे, चलिए। इतनी भयानक क्यों बन के घूम रही हो? ऐसे कपड़े क्यों? चलो ना मोमोज खाने चलते हैं। मैं तो मोमोज की चटनी पैक करके भी ले जाऊंगी ताकि रोटी के साथ खा सकूं। चलो। नहीं अदिति, छी, तेरे घटिया से रेडी के फूड खाने नहीं जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं बेस्ट रेस्टोरेंट में। क्यों भाई, स्ट्रीट फूड में क्या बुराई है? हम तेरे स्ट्रीट फूड में खाना खाने नहीं जाएंगे, वैसे भी वो बहुत ही अनहाइजेनिक होता है, हमारी हेल्थ का मामला है। तो हम जाएंगे कहाँ भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तुझे लेके जाती हूँ साउथ दिल्ली के बेस्ट रेस्टोरेंट में। चलो फिर। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? मुझे समझ नहीं आता मेरे स्ट्रीट फूड में ऐसा क्या नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलेगा। तेरे स्ट्रीट फूड में हुक्का मिलेगा? तेरे स्ट्रीट फूड में चकीला मिलेगा? नहीं। तो बस फिर चलो। वेटर। यस मैम, आपका क्या ऑर्डर है? तुम मेरे लिए ठिकानो विगानो फलाना ठिकानो ले। ये क्या है? इट्स इटालियन पास्ता बेबी। और मेरे लिए एक कैप्सिकम।
ये कौन सी बीमारी का नाम है? It's शिमला मिर्च babes. हरी मिर्ची? शिमला मिर्च को कैप्सिकम? भैया मेरे लिए तो तुम्हें एक ये कर जो इन्होंने बोला यही ले आओ जाओ। सब कहा था मोमोज खाने जा रही थी कि माँ का रीटा में फंसा दिया। अरे भूख के हमारे जान निकली जा रही है, खाना कब आएगा यार। सॉरी मैम थोड़ा लेट हो गया। कल तक आ जाता भाई। अब ये क्या है? ये ठिकानो फिगानो फलानो ढिगानो के नाम पे घास फूस है। अरे रुक ना अदिति, थोड़ी फोटोज तो खींचने दे फिर खा लेना। ले ले, इसकी भी फोटो ले ले। गाजर मूलियों की फोटो खींचनी अभी ने। अब खा लो बेबी। शुक्रिया मैम। बिल भाई एक टुकड़ा मुंह में नहीं गया है, तुझे बिल की पड़ी हुई है। मैम हमारे यहाँ की पॉलिसी है पहले बिल फिर खाना। पॉलिसी गई गन्ने के खेत में। तीन हजार का बिल? ओए माँ। बे इसकी भैंस की आंख। गाजर मूली के 3,000 दूं मैं? हैं कहाँ दे दूं मैं? अरे यार मेरे जेब में सिर्फ 300 रुपए, वो भी मेट्रो के। अगर ये पैसे दे दूंगी तो घर कैसे जाऊंगी? तो मैं पहले ही कहा था इस रेस्टोरेंट में मुझे मत लाना, अब क्या करूँ? अरे अदिति तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन ना लो तो क्या करूं? अगर पैसे नहीं दिए तो ये मुझसे बर्तन धुलवाएगा। अरे अभी हम पे कर देते हैं, बाद में तो इंस्टॉलमेंट में पे करते रहना। तुमने अपनी शक्लें देखी है? तुम्हें इंस्टॉलमेंट में 3,000 रुपए दूं? मेरे को कल कॉलेज में मिलना, तब मैं तुम्हें गाजर दे दूंगी अपने घर से लेके। 10 रुपए में आती है। अरे अंदर नौटंकी बना रखी है। अरे इसे क्या हो गया है? चलो छोड़ो हम तो सैलेड खाते हैं। अबे यार तुम यहाँ पे क्यों ले आए? हम तो छोले कुलचे खाने जा रहे थे ना, तो वहाँ चलो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अबे यार थर्ड क्लास लोग थर्ड क्लास बातें, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाएंगे। अबे यार रेस्टोरेंट में क्यों खाएंगे? मैंने छोले कुलचे वाले भैया से बात भी कर रखी थी, उन्होंने फुल डिस्काउंट भी देते। अबे चल ना यार, क्यों ड्रामे कर रही है? ठीक है रो मत, चलते हैं। पहले ये बता तो घर के कपड़ों में क्यों, स्कूल के ड्रेस में क्यों नहीं आई? देख मुझे पता था कि हम स्कूल तो जाने वाले नहीं है, बंक पर जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं घर के कपड़े पहन कर आ गई ताकि किसी को शक भी ना हो। मुझे बहुत दिमाग है। चलो कौन से रेस्टोरेंट जाना है? यार हम इतने महंगे रेस्टोरेंट में आ गए हैं, पैसे हैं हम पे। मैं तो अभी भी कहती हूँ मौका है, यहाँ से 9 से 11 हो जाते हैं। अरे यार तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी हमने डिसाइड किया था ना कि हम सब 20-20 रुपए लेकर आएंगे, तो सब लेकर आए हैं ना? हाँ हाँ मैं पूरे 20 रुपए, नहीं नहीं मैं तो 15 रुपए लाई हूँ। मैं तो पूरे 20 रुपए लेकर आई हूँ। मैं तो पूरे 40 रुपए लाया हूँ। यार मैं तो 11 ही रुपए लाई हूँ और मम्मी ने दिए ही नहीं। कोई नहीं तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। हाँ तो ठीक है ना फिर, 80 रुपए हो गए और 80 रुपए में चाउमीन तो आई जाएगी। हाँ यार ये भी ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, फोटो लेते हैं। मैं ना श्रुति को दिखाऊंगी, वो श्रुति की बच्ची हमारे साथ बंक पे नहीं आ रही ना, कह रही अगर मम्मी पापा ने हमें बंक पे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। आप देखना हम बंक पे आए और उसको कितना बुरा लगेगा, चढ़ जाएगी। चलो चलो फोटो खींचते हैं। पहले मेरी फोटो खींच ले ली। खड़े हो गए, खड़े हो गए। चलो अब मैं सेल्फी लेती हूँ, चारों आएंगे इसमें। ठीक है बस अब मैं से कर देती हूँ, हो गई पोस्ट। क्या तूने पोस्ट कर दी? और नहीं तो क्या, मुझे श्रुति को दिखानी थी, चिल्ला के रहे हो। अबे घनशक्कर अगर तुझे श्रुति की फोटो ही दिखानी थी तो उसे पर्सनली भेज देती, अब उसके साथ साथ हमारे सबके मम्मी पापा को पता चल जाएगा। अबे हाँ कि हम बंक पर आए हैं, मैं तो भूल ही गई। तेरी मम्मी को फोन आ रहा है। हाँ मम्मी, मम्मी मैं हॉस्पिटल हूँ। नहीं 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 रेस्टोरेंट हूँ। नहीं नहीं मम्मी स्कूल में ही हूँ। अरे नहीं मम्मी, अरे मम्मी सच में मेरी बात मानो ना मम्मी, आपकी कसम। हाँ मैं, मेरे भी पापा की कॉल आ रही है, मेरी भी मम्मी का फोन आ रहा है, मेरी बड़ी बहन की कॉल आ रही है। हेलो। नहीं मम्मी, अरे नहीं नहीं रेस्टोरेंट नहीं, फोटो। अरे फोटो तो ऐसे ही।
देखो यार कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है ना, है ना यार। इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों ले आई, बाहर से ही खा लेते ना, इधर आने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे क्या बुराई है, और वैसे भी हम हमेशा थोड़े ना बड़े और महंगी जगह आते हैं, कभी कभी आते हैं, रोज का थोड़ी है बकवास करे जा रहा है। हाँ नहीं तो मुझे बड़ा मजा आएगा, और वैसे भी इस बार हमें पॉकेट मनी मिली है तो खुला खर्चा करेंगे। और इससे पहले थोड़ा नाच गाना हो ना। हाँ चलो डांस करते हैं। यार अदिति बहुत थक गए हैं और पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, चलें पहले कुछ खा कर आते हैं। हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है, मेरे भी पेट में से आवाज आ रही है गर गर। चलो खाना खाने चलते हैं। यार मेरी मम्मी का ना कॉल आ रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। अबे वो अपनी मम्मी को बोल दे कल परसों आएगा, मेरा मतलब 10-15 मिनट आएगा। यार हमेशा थोड़ी मिलता तू हमसे, चल ना यार खाना खा के तो जा कम से कम। चल चल ड्रामे मत कर, चलो बे। मैम ऑर्डर आपका। तो बताओ क्या खाओगे, चाउमीन? हाँ मैं तो चाउमीन खाऊंगी। मैं भी चाउमीन ही खाऊंगी। मैं भी चाउमीन ही खाऊंगी। बस बढ़िया, फिर तू भी चाउमीन ही खा लियो। भैया 4 प्लेट चाउमीन लगा दो। ठीक है ओके मैम। यार अदिति मैं तुझे इधर इसलिए आने के लिए मना कर रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बिल्कुल कंगला कर दिया है। अच्छा तू इसलिए इतना परेशान हो रहा था, खदा कहेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम तेरे दोस्त है, हम अभी काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे तेरे, तो टेंशन मत ले। मैं हूँ भैया, मुझे 4 प्लेट चाउमीन कही थी ना, उसको काट के 3 प्लेट चाउमीन कर दो। मैम 3 प्लेट कर देता हूँ चाउमीन। जी शुक्रिया। बस तू तो बड़ी कुत्ती निकली, मैं तो सोचा तू मेरी हेल्प करेगी, मुझे खिलाएगी। अबे ओ घन चक्कर, मेरी बारात में आया जो तेरी हेल्प कर दूं, तुझे फ्री का खिला दूं। बताओ भला हमारा दोस्त होके हम पे आज तक 1 रुपया खर्च नहीं करा, और छिपकर उस मेंढक जैसी शक्ल के लिए पूरा कंगला हो चुका है, हम क्यों खिलाए, बैठ के देख हम कैसे खाएंगे। आया बड़ा। Yes, ma'am. Noodles. फुकरों की टोली, सपनों की गोली, हर ऊट पटंगा, हनी चो चलाले की जेब पे खाली, कदम कदम पे पंगा, हर सिक्के गिट्टी कुल कर देंगे, नहीं है कोई चॉइस सजा देंगे ये तुमको ना। जी तेरा बर्थडे है क्या, जितने बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके आई है। बर्थडे है यही समझ लो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सच में? अरे नहीं यार काहे सच में, बर्थडे थोड़ी है, भूल गए अपनी बहन का बर्थडे कब आता है। पर ऐसे ही कुछ समझ लो, तुम यहाँ पे फ्री में खाओगे भी, फ्री में नाचोगे भी, तुम्हें एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्यों, तुझे क्या कोई जादू टोना करना आता है कि तू जादू करेगी और वो हमसे पैसे नहीं लेंगे? ऐसे ही कुछ समझ लो, तुम अपनी बहन को हल्के में ले रहे हो क्या? अरे अदिति यहाँ लेके आई है तो कुछ तो प्लान होगा ना दिमाग में। बस तुम मुझ पे जोड़ दो, चलो अब नाचते हैं। मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हुई है, बैठ नीचे। यार बैठ तो जाऊंगी, लेकिन तूने यहाँ का मेन्यू देखा है कितना महंगा है। अबे यार तुझे कितनी बार समझाऊं, पैसों की टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना, अगर पैसे देने होंगे तो मैं दूंगी, अब वैसे भी पैसे किसी को देने भी नहीं होंगे, तो टेंशन फ्री रहो, टेक अ चिल पिल। यार मैं तो कहती हूँ अदिति की बातों में मत आओ, यहाँ से 9-11 हो जाओ, नहीं तो ये हमसे बर्तन धुलवाएगी। बस बहुत हो गया, तुम्हें फ्री का खाना नहीं खाना तो तुम तीनों जा सकते हो, मैं यहीं पे बैठूंगी और इस महंगे रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाऊंगी। मोफ 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 जाओ। यार अदिति यहाँ बैठी है तो कुछ प्लान कर कर ही बैठी होगी ना, हमें इस पे पूरा भरोसा है,
हम नहीं जाने वाले कहीं पर भी, हम तो यहीं पर बैठेंगे। तो टेंशन फ्री रहो, ऑर्डर करो क्या खाओगे। भैया इधर आओ। यस मैम, कोई ऑर्डर? भैया जरा चिली पोटैटो लियाओ, मंचूरियन लियाओ, फ्राइड राइस लियाओ, बर्गर लियाओ, पिज्जा लियाओ, ये सब लियाओ। ठीक है, सब कुछ सब कुछ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। यस मैम, 5 मिनट में आपका ऑर्डर आएगा। यार खाना तो आ गया लेकिन इसका बिल कैसे भरेंगे? देखा दीदी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी भी मौका है, यहाँ से घर चलते हैं। तुम्हारे दिमाग में घुसा नहीं गया? अभी मैं बोल रही हूँ तुम्हें इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं हूँ तो सही। खाओ आराम से जल्दी। टेंशन किस बात की? कोच कोच मैनेजर वेटर, कहाँ है यहाँ का मैनेजमेंट? क्या हुआ मैम, आप इतने चिल्ला क्यों रही हो? बाकी कस्टमर भी बैठे हमारे पास। क्या हुआ ये देखिए, क्या हुआ आपके खाने में कांच का टुकड़ा? आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? कांच निकला, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को पता नहीं होगा मेरे पापा है कौन। कौन है तेरे पापा? मेरे पापा बहुत बड़े आदमी है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पूरा रेस्टोरेंट ना बंद करवा दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो मेरी पहुँच कहाँ तक है। नहीं नहीं मैम, छोड़ना तो चाहिए, मैं आपको खाना फ्री कर देता हूँ। अरे मैं भिखारी समझती हूँ क्या जो हम फ्री का खाना लेंगे? बहुत अमीर आदमी हम। नहीं नहीं मैम, ये हमारा माफी मांगने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सॉरी मांगने का तरीका है ना, इसलिए माफ कर देती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, नहीं तो अच्छा नहीं होता। अच्छा सुनो, जाते जाते ना मैं कुछ चीजें बोलती हूँ, उनको भी पैक कर देना घर के लिए। ठीक है मैम, जो आप खाना बोलो मैं वो पैक करा दूंगा। चलो सॉरी मैम। देखा तुम लोगों ने, अब जम के खाओ। तो कैसे आप सब, कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। वीडियो को फैला दो, आग लगा दो, वीडियो को फैला दो। खाने के शौकीन हो तो खाना खाते रहो, घर का भी खाओ बाहर का भी खाओ और खाना खाओ और सो जाओ। मेरे को नहीं खाना बहुत मीठा है। मिलती हूँ जल्दी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।